लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पप्पू। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। मेरे पास आओ बेटे। है इतना बड़ा घंटा? बोल, कहाँ है वो स्वर का बच्चा? बोल, कहाँ है वो स्वर का बच्चा? अरे बोलता है कि नहीं? खबरदार, देखता नहीं, मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। अंतरिया, क्या कहा? सोर का बच्चा? वो मेरा भाई है। साले, नहीं बताओ, उठा ना साले। पप्पू को पकड़ लिया है, वो उसे मार डालेगा। नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी, नहीं भाई, तू ऊपर जा, मैं जाता हूं। मैं मेरे बच्चे को छोड़ दूंगा। तुम्हारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। इसके साथ खेलने का दिल करता है मेरा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। कहाँ है उस सुअर की औलाद? नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, अगर मालूम होता तो भी नहीं बताता। जवानी में मरना चाहते हो बेटा? मौत का दिन तो अल्लाह मुकर्रर कर देता बलबीर। तू मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन शहीद करबला की कसम, मेरे बदन के हर टुकड़े से तेरे सवाल का यही जवाब आता रहेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ले इसे। छोड़ के औलाद, मेरे दस गिनने से पहले अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन सबको भून के खत्म कर दूंगा। एक, दो। Thank you.
मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि बलबीर को तुम जान से नहीं मारोगे। बलबीर की मौत मुझ पर उधार है रघु। ये उधार आपके जीवन पे बोझ बन चुका है, मैं उसे सुनकर हल्का करना चाहता हूं। ये कहानी हमारी शादी के दिन शुरू हुई। वैसे तो मैं तुम्हें कई तरीके से मार सकता हूं, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे। मैंने सोचा तुम्हारी यह तमन्ना जरूर पूरी होनी चाहिए। मंगूस, लटका दे इसे। दोस्तों एक काम करते हैं, इस मोटरबाइक को हटाकर इसे यहां खड़ा कर देते हैं। ये सती सावित्री है ना, इसकी जगह इसके पति के चरणों में है। कमा ध्यान से सुनो श्रीमती रंजीत सिंह, जब तक तुम में दम है तुम खड़ी रहोगी, तुम्हारा पति जिंदा रहेगा। जब तुम थक गई तो तुम्हारे पति के गले में फांसी का फंदा। ये मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता था ना। रंजीत सिंह, जब तक ये आवाज तेरे कानों में गूंजती रहेगी तुझे तसल्ली रहेगी कि तू जिंदा है। जब ये आवाज बंद हो जाएगी तुझे लगेगा तेरी मौत नजदीक आ गई है। अच्छा हम चलते हैं रंजीत सिंह। तेरी मां तन्हाई में होनी चाहिए ताकि तेरा मनहूस चेहरा कोई न देख पा।
चलो कल वो चैरिटी शो है ना जी साहब? नहीं, वो शो तो हम पोस्टपोन करने जा रहे हैं। क्यों? नेचुरली शीला जी, इन हालात में हम आपको कल डांस का शो देने को तो नहीं कह सकते। अब तो मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की विधवा हूँ, ये शो भी मेरा है और है भी मेरे लिए, और रंजीत की भी यही ख्वाहिश थी। और देख रहे सर, ये भी बताने को कह रही है कि उस रोज ये दुल्हन की तरह बीत बहुटी बनी स्टेज पर आएंगी। मुझे ये कहने आया हो कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? दया आपके दर्द का अपमान है। हमारा नाम बेशक रघुनाथ शास्त्री है, मगर हम है जाहिल निभट, हम गुंडा आदमी हैं। मगर इस वक्त आपसे ये कहने आए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खून से आपके आत्मा के एक घाव को धोकर साफ करेंगे, और इस सेवा के बदले आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। ये समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमने आज कैंसिल कर दिया। आज से वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। अब तुम अकेले चलाओ। अकेले? हाँ। ना बाबा, मुझे घोड़े से बहुत डर लगता है, प्लीज। अरे कमाल है, घोड़े से ज्यादा बफर कोई जानवर है। चलो तुम ये समझ के घोड़ा चलाओ जैसे तुम मेरे कंधे पे सवारी कर रही हो, मतलब मेरे कंधे पे सवारिंग। मतलब नो डरोइंग? नो डरोइंग ना, फिर चक्कर लगाओइंग। मल्लू, मल्लू मैं गिर जाऊंगी, मुझे बचाओ। मैं इन्हों की मरहम पट्टी करके आता हूं।